हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। में हूँ अभी देवास में सोनू भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सोनू भाई, अभी जो है सोजा तो और पंजाबी बकरे देखे आपके, बहुत खूबसूरत जी। इस वीडियो के अंदर क्या बताने वाले भाई? एक ये अजमेरा है और एक ये गुजरी है। ठीक है, लेकिन उन बकरों से थोड़ा सा साइज में छोटे हैं ये ना? हाँ भाई, थोड़े छोटे हैं। ठीक है, इसी से स्टार्ट करता हूँ मैं। ये कौन सा बोला? अजमेरा है ये जी भाई, लेकिन चेहरा थोड़ा थोड़ा टच मुझे गुजरी का भी लग रहा है। हाँ, गुजरी अजमेरा टच में ही है जी। हाइट कितनी है बकरे की? भाई ये 43 है। 43 की हाइट है। ओके, और बकरे में वजन कितना है अभी? भाई 125 किलो का वेट है इसका अभी। आपने चेक किया कांटे? जी भाई, 125 किलो। ओके, और हाइट कितनी है? 43 प्लस। और दांत 8 कर लिए इसने? हाँ भाई, 8 दांत। तो अभी बकरा फोर सेल के लिए निकाला है आपने? जी भाई, ये फोर सेल के लिए। फोर सेल के लिए क्या मांग रहा है, उसका डिमांड कितनी रखी है भाई? पर्सनल में बताएंगे इसकी डिमांड। देखो, अभी तो ईद का टाइम है, लोग जो है व्यापारी से ज्यादा जो है कुर्बानी वाले लोग खरीद रहे हैं जी। तो चाहो तो बता सकते हो, फिर भी अपन पर्सनल में रखेंगे भाई इसकी डिमांड। चलिए ठीक है, मर्जी है आपकी। कुछ नाम रखा आपने इस बकरे का? जी भाई, इसका नाम आफ्ताब है। आफ्ताब जी भाई। उसका मतलब क्यों रखा है आपने नाम? भाई इसका नाम जो शुरू से लाए तो हमारी मम्मी ने इसका नाम ही बताया था कि आफ्ताब है ये। माशाल्लाह, फिर बच्चा बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है। जैसे सिरोही और अपना गुजरी बकरों के अंदर क्वालिटी लोग मांगते हैं, चिकनाहट होना चाहिए, कमान होना चाहिए कमर के अंदर, और बकरा जो है गर्दन खड़ी रखना चाहिए, वो सारी क्वालिटीज माशाल्लाह बकरे के अंदर है जी भाई। ठीक है, कितना वक्त हो गया आपके पास इस बकरे को? भाई 9 महीने का समथिंग हो गया, 9-10 महीने। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आपने चार एक दांत पे परचेस किया होगा? हाँ भाई, है ना। ठीक है, उसके बाद में एक ये बच्चा है जी भाई। जी, इसका कुछ नाम रखा आपने? ये नफीस नाम है भाई इसका। बहुत जानदार आपने माशाल्लाह, मतलब इंसानों के नाम रख दिए जी भाई। अब इंसान एक काम करते हैं, बूरा भैयू ही नाम रख लेते हैं भाई। इंसान के बच्चों जैसे ही पले हैं इनको भी, इनके नाम भी इनका। अच्छा, इसकी हाइट थोड़ी शॉर्ट है उससे जी, लेकिन तैयारी माशाल्लाह, बनावट बहुत अच्छी लेके आ रहा जी भाई। जी भाई, ठीक है, इस तरफ करिए, थोड़ा आगे लाइए, सीना जो है बकरे का दिखे आराम से पकड़ के। बस बस, ठीक है। तो ये बकरे की भी डिटेल आप कन्फर्म करिए, हाइट कितनी है भाई? इसकी हाइट 41 प्लस हैगी। 41 प्लस हाइट है इसकी जी भाई। और वेट कितना होगा? वेट इसका 115 के समथिंग हैगा भाई। 115 किलो माशाल्लाह। दांतों में ये जब तोला था ये 113 12-13 पे तोला था इसको। कितने टाइम पहले? अभी 12-1 दिन हुए, 10-12 दिन। तो 2-3 किलो बड़ा हो, नहीं भी बड़ा हो तो 113 तो कन्फर्म है। कब से है बकरा आपके पास? ये 7वीं लाए थे भाई। अच्छा टाइम होगा। तो इस बकरे ने एवरेज क्या महीने के हिसाब से वजन बढ़ाया? 4 किलो भाई इसने, ये समझो हम इन बकरों को लाए थे जब इनके कितने 70-70 किलो पे थे ये बकरे भाई। 70-70 किलो के थे तो ठीक है, फिर भी अच्छा खासा वेट हो, 3-4 किलो महीने का एवरेज आया। हाँ जी भाई। ये सेल्फ फीडिंग पे ही है बकरे जी भाई, खुद से खाने वाले जी भाई। तो उसको भी अभी सेल करना है बकरे को? हाँ भाई, इनको भी बेचना है ना। ठीक है, एक बार घुमा कर दिखा दो या छोड़ दो आप अपनी मर्जी से चलेगा वो, क्योंकि जो बकरों को पकड़ते नहीं है तो कुछ ज्यादा चमकने लगते जी भाई। इसके अलावा और भी बकरे हैं अपने पास? हाँ भाई, और हैं 3 बकरे और हैं। ठीक है, दिखाइए वो भी। एक ये बकरा, ये भी गुजरी दिख रहा है? हाँ भाई, गुजरी है ये भी माशाल्लाह, लेकिन ये साइज में थोड़े से छोटे हैं। ये थोड़ा छोटे हैं भाई, एक ये है। आंधी आंधी अंदर माशाल्लाह, तीनों ही जो है गुजरी के अंदर है जी भाई। बता सकते हो हाइटें क्या क्या होंगी इन बकरों की भाई? ये 40 हाइट पे है भाई। 40 हाइट पे जी, नापी भी हाइट है आपकी? अच्छा, देखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि 38 के आसपास होगा। ये है भाई 38 पे। अच्छा ठीक है, और वजन कितना होगा उसका? ये भाई 90 kg के समथिंग है। 90 किलो। और ये वाला जो 38 बताई हाइट आपने, ये भी 80 kg के समथिंग है। 80 kg पंच किए हुए ना खस्सी बकरे जी भाई? सब पंच करे हुए। ठीक है, एक बकरा और रह गया, कौन सा? ये वाला। ठीक है, इसकी हाइट ज्यादा अच्छी दिख रही है। हाँ भाई, ये कितनी हाइट? ये भी 40 के आसपास ही है। 40 के आसपास है। और वजन में कितना होगा? ये वजन में ये भी 90 प्लस ही है। ठीक है, तो बकरों ने अभी 8-8 दांत लगा लिए या कसर है? जी भाई, फ्रेश 8 दांत में अभी। 8 दांत फ्रेश हुए हैं ये भी। ठीक है, तो इनका भी जो प्राइस है वो पर्सनल में ही रहेगा जी भाई? ये हो सका तो अपन 5 ही एक साथ दे देंगे। हाँ, मेरे कहने का मतलब वही है, अगर कोई 5 बकरे आपसे एक साथ परचेज करता है तो 5 दे देंगे। तो कोई पट्टी का भाव दोगे उन्हें? दे देंगे एक ही पट्टी में जी भाई, दे देंगे बिल्कुल। चलो बढ़िया है। ठीक है सोनू भाई, आपके माशाल्लाह सभी बकरे अभी देख लिए, अब इंशाल्लाह जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे जी भाई। आपका कांटेक्ट नंबर बता दें एक बार। मेरा कांटेक्ट नंबर मोबाइल नंबर 9893098932। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।